हेलो दोस्तों, ऑल वाटर प्रूफिंग केस सीरीज में मैं आज आपको बताने वाला हूँ क्रैक सील के बारे में। दोस्तों, क्रैक सील यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। बिना क्रैक सील यूज़ करे आपने जब वो ऐसे छोटे मोटे क्रैक को फिलअप किए होंगे तो हो सकता है कि गर्मी या फिर ठंडी के टाइम वो सिकुड़ने से या फिर वॉल की जो श्रिंकनेस होती है ना उसके कारण वो क्रैक खुल सकती है और वहाँ से फिर हमारा पानी या फिर ऐसा बारिश के मौसम में आता है और फिर डैम्प आना स्टार्ट हो जाता है। ऐसी कंडीशन ना हो इसलिए मैं क्रैक सील यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्रैक सील को कैसे यूज़ करना है, किस तरह से इसकी प्रिपरेशन करनी है और इसे वॉल पर किस तरह से अप्लाई करना है। पूरी डिटेल में आपको देने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना, आपको पूरी माहिती मिलेगी। दोस्तों, अगर आपके घर में कुछ इस तरह के क्रैक्स है तो इसे हमें थोड़ा खोल लेना होता है। खोल लेना यानी कि वीक ग्रो में उसे थोड़ा और गहरा करना होता है। गहरा करने के लिए आप छेनी और हथौड़ी का यूज़ कर सकते हो या फिर ग्राइंडर का यूज़ करके इसे अच्छे से वीक ग्रो में कर सकते हो। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कंक्रीट काटने वाली मैंने यहाँ पे ये डिस्क यूज़ करी है और डिस्क यूज़ करके मैं ये इसके अंदर छेद करने वाला हूँ। थोड़ा आप देख सकते हो किस तरह से मैं कर रहा हूँ। दोस्तों, ये जैसे ही ग्राइंडिंग का काम खत्म हो जाए उसके बाद हमें ये वायर लेना है और ये हमें जो कट मारा है ना वहाँ से अच्छे से इसे घिस लेना है ताकि जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा कलर या फिर अंदर जितनी भी डस्ट है वो निकल जाए और अच्छे से ये क्लीन हो जाए। क्लीन करने के लिए वैसे आप पानी भी यूज़ कर सकते हो, तो मैं आपको पहले पानी से भी साफ करके दिखा देता हूँ। पानी भी टब में लेके डायरेक्ट आप इस तरह से डाल सकते हो ताकि जो ये गैप्स के अंदर जितनी भी एक्स्ट्रा मिट्टी है अभी ग्राइंडर की वजह से गई है ना वो निकल जाए। वैसे करने से डायरेक्ट हमें फिर इसे कपड़े की मदद से साफ कर लेना है या फिर इसे थोड़ा सूखने देना है। तो अभी हम कपड़े की मदद से साफ कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो मैंने डब्बा खोल के रखा है, कुछ इस तरह से अंदर की तरफ ये पेस्ट आता है ऐसा। इसे अब हम पुट्टी ब्लेड की मदद से अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। अप्लाई करने के लिए मेरे पास ये दो पुट्टी ब्लेड है, इसकी मदद से यूज़ करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं ढक्कन के अंदर जितना भी पेस्ट है ये ब्लेड की मदद से निकाल लेता हूँ और इसे ही स्टार्ट करने वाला हूँ क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा पेस्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों, हमें लगाने के लिए डायरेक्ट इस तरह से ऐसे ही लगा देना है, अंदर की तरफ पुश करना है और कुछ नहीं करना है। दोस्तों, आप देख सकते हो ये जो हमने लगाया था ना यहाँ पर, ये थोड़ा कपड़े के जो कॉटन के धागे होते हैं ना वैसा लग रहा है। तो ये इसके अंदर ये आप यहाँ पर भी देख सकते होगे ये रेसे जैसा बन रहा है, तो इसके वजह से ये इसके अंदर पकड़ अच्छे से बनाए रहते हैं। अब हम सब जगह पे अच्छे से फिलअप कर लेते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरफ से हमने पूरा इसे अच्छे से फिलअप कर दिया है। अभी इसे हमें सूखने देना है। सूखने के बाद ये जितना भी मटेरियल है थोड़ा अंदर चला जाएगा, अगर चला जाए तो इसे हमें फिर से एक और बार फिलअप कर देना है। अभी हम बाकी की तरफ है वहाँ पर भी अच्छे से पहले फिलअप कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भी हम इसी तरह से लगाना स्टार्ट कर देंगे।
दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो हमने ये क्रैक सील का एक कोट तो लगा दिया है, अभी हम इसे सूखने देंगे। दोस्तों ये कुछ इस तरह से अभी दिख रहा है एक कोट लगने के बाद, तो अभी एक और कोट हमें इसे लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पर दूसरा कोट भी कंप्लीट कर लिया है, अभी हमें करना कुछ नहीं, जैसे ये सूख जाए 12 घंटे के बाद, उसके बाद हमें वहाँ पर एक्रेलिक पुट्टी आती है तराली कंपनी की, इसे अच्छे से फिलअप कर देना है। और दोस्तों मोटा लेयर नहीं लगा रहे हैं, बस ये दीवार है उसको कवरेज हो जाए अच्छे से, वैसा एक लेयर लगा दे रहा है, और उसके बाद सैंडिंग करके आपका मन चाहे वहाँ पर प्राइमर और पेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप भी आपको वीडियो और ट्यूटोरियल पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कुछ हो के तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।